أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لیسن نمبر 2 آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایم ایس ورلڈ کے بارے میں لیسن نمبر 2 میں تو آئیے جہاں پہ کل ہم نے چھوڑا تھا آج وہی سے شروع کرتے ہیں کل ہم نے فائل پڑھا تھا اور ہوم پڑھا تھا کہ ہوم میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ سیٹنگ وغیرہ لکھائی وغیرہ کر سکتے آج ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں انسرٹ کہ انسرٹ کے اندر ہمیں کتنے آپشن ملتے ہیں اور ہم ان کے اندر کیا کیا کر سکتے ہیں میں پہلے بار ذرا ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور اس فکرے کو میں دوبارہ آج میں رومن میں لکھ رہا ہوں اس کو رومن میں لکھنے کے لیے میں نے اس کو टाइम्स रोमन इसको टाइम सेलेक्ट कर लें और टाइम रोमन कर लें क्विक ब्राउन पॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग दोबारा एक बार लिख लें गलती हो गई jumps over the lazy ये वो फिक्र है ये वो जुमला है जिसको आप अगर बार बार लिखेंगे तो आपकी जो स्पीड है आपका जो कीबोर्ड है वो आपको याद होगा और आपकी स्पीड सबसे ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश के 26 हरूफ इस फिक्र के इस जुमले के अंदर है कि जुमला जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार आपकी स्पीड तेज होगी और आपको कीबोर्ड याद हो जाएगा चलिए नेक्स्ट आज हम पढ़ रहे हैं इंसर्ट इंसर्ट का जो टैब है उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें मिलती हैं सबसे पहले आपको मिलेगा टेबल कि आप ये टेबल कैसे बनाते हैं इसके अंदर आप टेबल कैसे इंसर्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे हम टेबल पे क्लिक करेंगे अब देखेंगे जी दो कॉलम तीन कॉलम चार कॉलम रो देखेंगे जी ये जो आप दाएं बाएं दिख रहे हैं ये कॉलम है ये दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ये आपके पेज के ऊपर बिल्कुल सेटिंग होके आएंगे दस कॉलम फिर दूसरी रो तीसरी रो फोर फाइव सिक्स सेवन एट यानी कि आपको फिर वक्त अगर दो ही कॉलम चाहिए सॉरी तो आप ये इंसर्ट कर देंगे एक बार फिर देख लें उसको डिलीट कर दें इंसर्ट में जाके टेबल करें और इसमें तीन कॉलम और दो रो कर दें ये बिल्कुल सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा इनको छोटा बड़ा करने के लिए आप हमें सिलेक्ट करके आपको छोटा बड़ा कर सकते हैं ये आपके कॉलम है जिसके अंदर आप सीरियल नंबर और एस पी जो भी स्टूडेंट नेम लिख सकते हैं और उनकी क्लास लिख सकते हैं फर्दर आपकी मर्जी की आप इसके अलावा जो लिखना चाहें इसके अंदर आप लिख सकते हैं इनको सिलेक्ट करके आप इनको होम पे जाके आप इनको सेंटर कर सकते हैं बहुत अच्छा हो गया ये हमारा इंसर्ट है टेबल इसकी कुछ नीचे भी चीजें पड़ी हुई थी इंसर्ट टेबल ड्रॉ टेबल एक्सेल स्प्रेडशीट क्विक टेबल ये आपके बाद के मामलात हैं पहले आप जब इनको प्रोग्राम सीख लेंगे तो नेक्स्ट बताएंगे कि आप इनके अंदर और कौन कौन सी चीजें कर सकते हैं नेक्स्ट हो गया जी बहुत अच्छे हो गया इसके बाद हमारा अगर इसके अंदर रखेंगे और नेक्स्ट दबाएंगे या एंटर करेंगे तो ये आपकी टैब दबाएंगे तो आपका नया लाइन आपकी इंसर्ट होगी अगर आप नीचे ऐसे क्लिक कर देंगे तो ये आपकी अलग से फॉर्म बन जाएगा और आगे भी पिक्चर पिक्चर का मकसद ये है कि आपके पास अगर भी पिक्चर रिकॉर्ड के अंदर पड़ी हुई है तो वो पिक्चर अगर आपको इंसर्ट करनी है तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं
फर्ज मिसाल आप एक पेपर बना रहे हैं और आपको पिक्चर्स चाहिए, तो आप पिक्चर जहाँ पे नेट से डाउनलोड करेंगे और जहाँ पे रिकॉर्ड में पड़ी हुई हैं आप उस पिक्चर को उठाएंगे और सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे। ये अब ये बहुत बड़ी हो गई है तो आप इसके कोनों से पकड़ के छोटा भी कर सकते हैं, या अगर आपने ये दरमियान वाली स्टेप लेनी है तो आप यहाँ पे देखें जी राइट तरफ आपको एक क्रॉप का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको आप क्रॉप करेंगे तो ये आपकी बिल्कुल जैसे आप एंड्रॉयड में क्रॉप क्रॉप करते हैं ये आपकी क्रॉप करके आपको तस्वीर को छोटा कर देगी और आप इंटर कर देंगे, ये तस्वीर बिल्कुल छोटी है हमारे पास शक्ल में डाल दी। फिर मजीद इसको छोटा करने के लिए आप यहाँ पे कैसे कैसे कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जी अगर आप एन सेलेक्टर उठाएंगे तो ये दाएं बाएं नहीं होगी, बस ये सिर्फ और सिर्फ इंटर से होगी। लेकिन इस काम का तरीके रहते हैं बहुत ही बड़ा टिप्स है वो आपके लिए है कि जब आप इंसर्ट में जाएंगे तो टेक्स्ट बॉक्स देखे लिखा हुआ है, ये सॉरी टेक्स्ट बॉक्स नहीं बल्कि आप इसको करेंगे पेज लेआउट के अंदर एक ऑप्शन पर हुआ है पोजीशन और इसके साथ है रैप टेक्स्ट, इसके अंदर एक ऑप्शन है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जब ये आप करेंगे तो ये तस्वीर आपकी एक बार सेट करेंगे तो ये तस्वीर आपकी जहाँ मर्जी है आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, यानी इसकी लाइनें वगैरह सब चीज़ें जो मार्किंग थी ख़त्म हो गई है, आप इसकी ऊपर लिखाई भी करें जहाँ लेके जाना चाहें ये चली जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि ये कैसे सेटिंग करनी है, तो ये आप इसको जहाँ मर्जी रखना चाहें, और इसके नीचे अगर आप कोई टेबल या कोई नाम लिखना चाहें तो वो भी बड़े ईजी तरीके से यानी शेप्स के अंदर जाके भी आप इसको लिख सकते हैं, ये इसके अंदर भी आप नाम लिख सकते हैं जहाँ मर्जी है आप इसको ले जाएं। ये आपके ये कहाँ से हमने ऑप्शन लिया, ये हमने ऑप्शन लिया पेज लेआउट के अंदर, इसको सिलेक्ट करेंगे और वेब टेक्स्ट करेंगे तो वो आप जहाँ रखेंगे वहाँ पे अपनी सेटिंग होगी। हम पढ़ रहे हैं जी इंसर्ट का ऑप्शन, नेक्स्ट अब आप बताएंगे जी क्लिप आर्ट, बहुत ही ज़बरदस्त जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उन्होंने बहुत सी क्लिप्स बहुत सी आर्टें बहुत सी तस्वीरें आपको क्लिप आर्ट की शक्ल में दी हुई हैं, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके राइट साइड पे ऊपर टेबल बन जाएगा ब्लॉग खुल जाएगा, इसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे गो के अंदर जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे आपको बहुत सी तस्वीर आर्ट बनी हुई आपको नजर आएगी, यानी कि आप कोई पेपर बना रहे हैं या कोई सेंटर वगैरह बना रहे हैं तो इसके अंदर आपको ये चीज़ें बड़ी इजीली मिल सकती हैं, आप कोई भी नाम लिखेंगे तो आपको ये देखिए आयरन स्त्री क्लॉक ये आपको साज की सारी चीजें अब मिल सकती हैं, लेकिन ये भी वही मसला है कि आपको दाएं बाएं नहीं होगी, लेकिन इनको सिलेक्ट करके आप पेज लेआउट के अंदर जाके रैप टेक्स्ट करेंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो ये यकीन आप जहाँ लेके जाना चाहें ये वहीं चली जाएंगी और आप बड़े मज़े के साथ इनको एंजॉय कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं, आप जहाँ भी लेके जाएं छोटा बड़ा करें कटिंग करें, ये आप बेहतरीन तरीके से इसका पेपर बनाने के लिए ये बहुत यूज होती हैं, छोटी क्लास का पेपर बनाने की ज़रूरत यूज होती है जी। नेक्स्ट हम इंसर्ट का ऑप्शन, इसमें बहुत सी तस्वीर है जितनी मर्जी आप इस्तेमाल करना चाहें इनको बंद कर दीजिए। शेप्स, शेप्स क्या कहती है, इसमें बहुत सी शेप्स पड़ी हुई हैं आपके पास, तो सैकड़ों शेप्स का पड़ा हुआ है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये कैसे यूज होंगी, ये मिसाल के तौर पर एक हम सेलेक्ट कर लेते हैं और लेफ्ट क्लिक के साथ वो खींचेंगे, जितना भी बड़ा खींचेंगे लेफ्ट क्लिक को छोड़ेंगे
तो ये इंसर्ट हो जाएगी। ये हमारी इंसर्ट का ऑप्शन है जिसके अंदर बहुत सारे हम डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर और भी डिज़ाइन पड़े हुए हैं, इसकी कलरिंग अगर आपने चेंज करनी है ये इसके आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये आपका यहाँ पे या यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको मुख्तलिफ किस्म कलर, इसका बोल्ड, इटैलिक और बेजी सारे के सारे आपको निशान मिल सकते हैं और आप इसको अटैच कर सकते हैं। इसके अंदर आप कोई लिखाई करनी है इसके ऊपर छोटा बड़ा करना तो जहाँ पकड़ के आप इसको ऐसे दाएं बाएं कर सकते हैं और जनाब आप इसके ऊपर ड्रॉ बॉक्स करें। इस साथ पड़े हुए हैं शेप्स, इसमें ड्रॉ बॉक्स पड़ा हुआ है, इस ड्रॉ बॉक्स को इसके ऊपर आप खींच कर इसके अंदर आप लिखाई कर सकते हैं। ये आप बेहतरीन सेटिंग कर सकते हैं, जहाँ मर्जी है आप इसको रख कर इसके अंदर ये आप लिखाई कर सकते हैं और इसके अंदर जितना मर्जी है ये शॉर्टकट आप इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। इसको सेंटर कर लें और मैं जाके इसको सेंटर कर लें। जी आपका होम का तल्लक आप हमेशा हर ऑप्शन के साथ रहेगा। ये आप डिजाइनिंग इसके अंदर बड़ी ही जबरदस्त कर सकते हैं। इतना बड़ा मसला नहीं है कि आप सिर्फ कोरल ड्रा में डिजाइनिंग करें, इसके अंदर भी बड़े बड़े डिजाइनिंग है। इसके अलावा और भी बहुत सी शेप्स पड़ी हुई हैं जो आप बेजवी चाहें, स्टार चाहें, उसके बाद सर्कल चाहें, एरो चाहें और उसके बाद खुशखबरी के लिए चाहें, गमगीनी के लिए चाहें, सारे के सारे ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं। प्लस माइनस ब्रैकेट्स सारे के सारे इसके अंदर मौजूद हैं। जी नेक्स्ट हम जी चलते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप बहुत सी शेप्स यानी जितनी तस्वीर हैं शेप्स हैं वो इंसर्ट के अंदर आपको मिलेंगी। और इंसर्ट का ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। लिस्ट जो कोनो भी प्रोसेस आपके होंगे तो जो साइकिल बना हुआ है और नेक्स्ट आपके लिए रिलेशनशिप बना हुआ है, ये मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर जितनी भी तस्वीर है आपको चाहिए होंगी ये आपको देगा। और मज़े की बात ये है कि ये तस्वीर भी देगा और ये बॉक्स पूरा ओपन भी होगा और इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं और इसको आप इसके अंदर टेक्स्ट भी कर सकते हैं, लिखाई भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई और चाहिए तो इसके साथ और भी आपको मिलेगा जितने आप बनाना चाहेंगे। ऐसे ये शजरा नुमा रखा जाता है, तहरीर बनाई जाती है, इसके अंदर वो आपको सारी की सारी चीज़ें आप इंसर्ट कर सकते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है, ये आम सब प्रोग्राम है, इसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट के अंदर आपने देख लिया कि आप जो आपको दायरे नज़र आ रहे हैं, आपने कोई भी चीज़ कोई चीज़ व्यू करानी है, कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो उसके अंदर ये आप बड़े मज़े के साथ यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर तस्वीर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है स्क्रीन शॉट। स्क्रीन शॉट आप स्क्रीन शॉट बनाना चाहते हैं, जैसे एंड्रॉइड के अंदर ऑप्शन है तो ये भी आपका स्क्रीन शॉट और इसको आप स्क्रीन शॉट में ले सकते हैं। मेरी वीडियो ज़रा लंबी हो रही है, आप थोड़ा सा मैं जल्दी में करूँगा आपको समझाने के लिए, मेरी कोशिश ज़रा जल्दी करूँ ताकि मेरी वीडियो और लंबी ना पड़े। और इसके बाद कर ये बताता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह वो कुछ नहीं जाएगा बल्कि आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे प्रोग्राम सीखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आपको है जी हेडर, फुटर, पेज नंबर, ये आप इसकी किसान कर सकते हैं। ये हाइपरलिंक और बुकमार्क और ये
ये जो लिंक्स पड़े हुए हैं ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपको लास्ट में समझाऊंगा कि जरा कुछ फाइल इसके साथ अगर आप अटैच करेंगे तो ये इसका क्या काम होगा, हाइपरलिंका के लिए कैसे काम करती है जी। आगे क्विक कार्ड्स है, ये भी क्विक पार्ट्स हैं, ये भी इसको आप देख सकते हैं, ऑटो टेक्स्ट हो गए, डॉक्यूमेंट्री, अच्छा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी हो गई, फील्ड हो गई, बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए, ये इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फिर वक़्त आप इसी पे गुजारा करें। और वर्ड आर्ट बहुत से बच्चे यूज़ करते हैं, इसका मैं बोलता हूँ कि बच्चे ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वर्ड आर्ट का ऑप्शन आएगा, इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पे आप जो लक्ष्य लिखेंगे तो ये उसी से पहल के आपका लक्ष्य ऑटोमेटिकली लिख देगा, और इसको आप जहाँ मर्जी रखना चाहें, या इसकी कोई अलाइनमेंट या इसकी कोई डायरेक्शन अगर आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये आपका इसी इंग्लिश के अंदर सारे का सारा काम होता है, और इसी वर्ड के अंदर। नेक्स्ट जी हम चल रहे हैं इंसर्ट के आगे जी, सिग्नेचर लाइन होती है कि आपको कोई लाइन अगर आपने लास्ट के अंदर कुछ सिग्नेचर करने हैं, पेज के आखिर में ईमेल एड्रेस देना है, कुछ चीज़ें देनी है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके पेज के ऊपर इंसर्ट होगी, जैसे ही आपको पेज शो नहीं होगी लेकिन जैसे भी आप प्रिंट करेंगे कोई चीज़ तो ये लास्ट के अंदर आप सिग्नेचर जरूर आएगी। ये देखें जिस पर ये आपका बन गया है, ये सिग्नेचर वाला आपका सिस्टम है, इस अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं इसको। बाकी भी आपका डेट एंड टाइम आपके जो लास्ट में लगाने हैं आपने पेज के ऊपर ये हो गए, ये प्रिंटिंग के लिए बहुत लाजमी है। जो लोग करते हैं बड़े बड़े जो काम होते हैं जिसमें बड़ी फैक्ट्रीज या कंपनीज का काम होता है। नेक्स्ट इक्वेशन और सिंबल, बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो हम आपको समझाने के लिए आपको काफ़ी वक्त दरकार है, लेकिन ये जो आप पेपर बनाते हैं मैथ के, साइंस के, फिजिक्स के, उनके अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं, ये आप कैसे यूज कर सकते हैं ये आपको लाजमी सीखना पड़ेगा। अगर आपने एक अच्छा प्रोफेशनल लोग बनना चाहते हैं तो ये आपको लाजमी सीखना पड़ेगा। यहाँ पे आप ये तब्दीली कर सकते हैं, जो सवाल लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर लिख सकते हैं। ये इक्वेशन के अंदर, इंसर्ट के अंदर, इक्वेशन और सिंबल के अंदर बहुत सी वो चीज के वगैरह जो पड़े हुए जो इस्तेमाल होते हैं ये वो आपकी सिंबल हैं जो आपने इस्तेमाल करनी है, जैसे पाई हो गई, यानी पावर हो गई, ये आपकी वो चीज़ें जो आप यूज कर सकते हैं। आज का काम इतना ही था, आप नेक्स्ट अगला प्रोग्राम सीखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल का आइकॉन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकअल्लाह।